न्यायों की पुस्तक अध्याय 13। न्यायों की पुस्तक अध्याय 13। शिमशुन का चरित्र। और इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का स्वरावासी मानोह नाम एक मनुष्य था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु व किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहां का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब न तो दाख मधु व किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। तब मानोह ने यहोवा से यह विनती की कि हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानो कि यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानोह उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा कि क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी। उसने कहा, मैं वही हूं। मानोह ने कहा, अब तेरे वचन पूरे हो जाए तो इस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे, यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाख मधु व किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, चाहे तो तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानोह तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। तब मानोह ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लव उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी तब यहोवा का दूत उस वेदी की लव में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा,
हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होमबलि और अन्नबलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और इश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा।